तो देश की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं कि उन्होंने फिर से देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंप दी है, जिसके लिए देश की जनता बधाई की पात्र है। और पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर हर क्षेत्र में काम हुआ है, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, युवा शक्ति, मातृशक्ति, गरीब, किसान, सारे लोगों ने आगे आकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सरकार में आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। और पिछले 10 वर्षों में इसने एक मजबूत, ईमानदार और देश के लिए काम करने वाली सरकार, देश के लिए काम करने वाली सरकार रही है। आज उत्तराखंड के अंदर भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, कमल खिला है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हर बार ईवीएम चिल्लाने वाले लोग अभी ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताई हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड की जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें यहां की भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। सर, ईवीएम की आज चर्चा हुई, क्या कहना है इस पे आपको? देखिए, मैं यही आश्चर्य है मुझे कि इस बार ईवीएम पर विपक्ष जो हमेशा हाय तोबा मचाता था, इस बार ईवीएम पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपने सर पूरे देश में रैली करी है जगह जगह जाकर, और शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया रैली करने का भाजपा के लिए। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें अभी भाजपा के झोले में आती दिख रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में रुझान के हिसाब से पीछे चल रही है भाजपा। जो उम्मीद से सीटें आनी चाहिए उसमें पीछे, आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई? अभी देखिए, चूंकि सीटों में बहुत कम अंतर है और ये रुझान है, कुछ समय बाद ये चीजें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, कई राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी, लेकिन उत्तराखंड में हैट्रिक भी मार रहे हैं, मार्जिन भी ज्यादा है, कैसे आप देखते हैं, ये क्या अंतर लगता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष लगाव देवभूमि उत्तराखंड से रहा है। और यहां पर चूंकि डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की सरकार ने लगातार गरीब कल्याण, सुशासन की जो योजनाएं हैं वो चली हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था, वो सब काम धरातल पर उतरे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के प्रति जो उनका प्रेम है, उस प्रेम को प्रदर्शित किया है और वोट देकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसी प्रकार उत्तराखंड के लोगों में भी आदरणीय मोदी जी बसते हैं। सर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोटे भाई बड़े भाई की तरह देखे जाते हैं। छोटा भाई तो एग्जाम में टॉप कर गया, बड़े भाई की चीजें कहां फंस गई, कहां क्या समीकरण आपको लगते हैं? देखिए, चूंकि अभी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो हर राज्य का अपना अपना समीकरण होता है, अपनी अपनी देशकाल परिस्थिति होती है, उसके अनुरूप चुनाव के परिणाम बदलते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। सर, बतौर मुख्यमंत्री 2022 का चुनाव आपके लिए पहला बड़ा चुनाव, ये उससे बड़ा इलेक्शन था, बतौर मुख्यमंत्री आप उत्तराखंड के रिजल्ट से संतुष्ट हैं? जी, मैं बिल्कुल उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत दिल से उनका ऋणी हूं, उनका नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए इस लोकसभा के चुनाव में फिर से हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, फिर से अपना समर्थन दिया है, मत दिया है और 5 सीटों पर कमल खिलाया है। सर, राम मंदिर, यूसीसी, सीए, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर पार्टी चल रही, क्या लगता है आपको, इसका फायदा मिला आपको? नहीं, देखिए, सभी मुद्दे अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते रहे हैं, सभी मुद्दों का अपना महत्व है।
देश के अंदर जो गरीब कल्याण और सुशासन की योजनाएं चली हैं उसी का परिणाम है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है और सरकार बनने जा रही है। नहीं बिल्कुल, देश के अंदर भी जश्न होगा और उत्तराखंड में तो विशेष रूप से, क्योंकि देवभूमि ने कमल खिलाया है और 5 कमल यहां से जा रहे हैं और प्रदेश और देश का विकास होगा। राज्य का जिस प्रकार से विकास तेज गति से चल रहा है, डबल इंजन और मजबूत होगा और ऊर्जा आई है। हम देवभूमि की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया, हमारा प्रोत्साहन किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।